हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है, कितने टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, फिर उनको हम अलग से देखेंगे पूरा डिटेल में, और फाइनली हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इन सी लैंग्वेज ए लूपिंग स्टेटमेंट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली अंटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। तो लूपिंग स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है, जब तक आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा आप लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज दैट आपको 5 का फैक्टोरियल करना है, तो आप इसको कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसी तरह बार बार आप यहां पर डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीमेंट और मल्टीप्लाई वाला काम को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही काम को आप बार बार कर रहे हैं। अगर 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आप 4 बार कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो आप 5 बार करेंगे, और कब तक कर रहे हैं, जब तक कि ये वैल्यू डिक्रीमेंट होकर कहां तक ना आ जाए, 1 तक ना आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका कंडीशन हो गया कि हम मल्टीप्लाई या डिक्रीमेंट तब तक करेंगे जब तक कि वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 1 ना आ जाए। और दो काम बार बार रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन का काम। तो इस तरह के चीजों में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो यहां पर जो है तीन तरह के लूप होते हैं सी लैंग्वेज में, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर लूप। तो यहां पर फॉर लूप थोड़ा स्पेशल टाइप का लूप है, इसके सिंटेक्स पे सबसे पहले आते हैं। तो फॉर लूप में आपको क्या लिखना है, स्मॉल लेटर में फॉर लिखना है, यहां पर कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। ठीक है, FOR, फॉर। उसके बाद यहां पर ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट के अंदर तीन पार्ट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट, मतलब यहां पर तीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन 2 हो गया और ये एक्सप्रेशन 3 हो गया। मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन 1 को यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, अगर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। यहां पर एक्सप्रेशन 2 में हम यूज करते हैं कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको कंडीशंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू अगर ट्रू होगा तो लूप चलेगा, अगर इसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा तो आपका लूप नहीं चलेगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब आपका फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू रहेगा। और उसके बाद सपोज दैट किसी वेरिएबल में कुछ अपडेट करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो वो आप तीसरे एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ये तीनों एक्सप्रेशन जो है आपस में कनेक्टेड होता है सेमी कोलोन से। तो यहां देखिए सेमी कोलोन लिखा है और यहां पर भी सेमी कोलोन लिखा है, और यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट को आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो फॉर लूप में आप क्या लिखेंगे, इंट आई इक्वल टू 1, यहां पर वेरिएबल को आप चाहें तो डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 1। तो यहां पर i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया। अब यहां पर ये कंडीशन है, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, मतलब जब तक i का वैल्यू 10 नहीं हो जाता है तब तक लूप चलता रहेगा, जैसे ही i का वैल्यू 11 होगा आप लूप से बाहर आ जाएंगे। और हर बार ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पर अंदर में हम क्या कर रहे हैं, i को प्रिंट कर रहे हैं, यहां पर अंदर क्या कर रहे हैं, i को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले i का वैल्यू 1 है, तो यहां पर कंडीशन चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू है, तो यहां पर आके 1 प्रिंट हो जाएगा, इस प्रिंट टैब से 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद i प्लस प्लस होगा, तो i प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, 2। अब यहां पर ये जो इनिशियलाइज वाला पार्ट है ये केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है, 1 टाइम, केवल फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब यहां पर i का वैल्यू 2 हो गया, तो फिर ये चेक होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो फिर यहां पर 2 प्रिंट हो जाएगा, और 2 प्रिंट होने के बाद तब जाके ये फिर से 3 हो जाएगा, और इस तरह से ये 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। अब यहां पर मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि फॉर के अंदर जितने भी पार्ट है उनके एग्जीक्यूट करने का सीक्वेंस क्या होता है।
तो ये वाला जो पार्ट है ये तो वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट टाइम, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसके बाद ये कंडीशन चेक होता है, कंडीशन चेक होने के बाद सेकंड नंबर में आपका प्रिंटएफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर लास्ट में ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगा, फिर यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और फिर इंक्रीमेंट होगा, तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको फॉर लूप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप। तो चलिए देखते हैं व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो व्हाइल लूप के लिए आपको सबसे पहले व्हाइल लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में कंडीशन, कुछ भी कंडीशन आप दे सकते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर यहां पर कोड होगा जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, चाहे एक लाइन का हो चाहे दस लाइन का हो, ठीक है। अब यहां पर ये जो कोड है वो आपका बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है। पहली बार ट्रू होगा फिर एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी बार ट्रू होगा फिर एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे करके ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। पर जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आप लूप से बाहर हो जाओगे, ठीक है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आप लूप से बाहर हो जाओगे। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि कैसे 1 to 10 हम प्रिंट करेंगे, किसका यूज करके, व्हाइल लूप का। तो यहां पर देखिए इनिशियलाइज हमको बाहर करना पड़ेगा क्योंकि फॉर लूप में फैसिलिटी था इनिशियलाइजेशन का, पर व्हाइल लूप में नहीं है। व्हाइल लूप में केवल और केवल आप कंडीशन ही लिख सकते हैं, तो इनिशियलाइज हमने बाहर में कर दिया। अब यहां पर व्हाइल में हम लिख रहे हैं i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो i का वैल्यू शुरुआत में क्या है, 1 है, तो यहां पर ये प्रिंट करेगा 1। अब यहां पर इंक्रीमेंट इसके अंदर हो रहा है। फॉर लूप में क्या था कि हम पैरेंथेसिस के अंदर ही इंक्रीमेंट करते थे, पर यहां पर इंक्रीमेंट हमें अलग से लिखना पड़ेगा। तो i प्लस प्लस किया तो क्या हो गया, i का वैल्यू 2 हो गया। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, फिर से ये 2 प्रिंट करेगा। फिर ये 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस, फिर 3 प्रिंट करेगा। फिर ये 3 से 4 हो जाएगा, ऐसे करके ये 10 तक प्रिंट करेगा। 10 प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस होके ये 11 हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो इट इज फॉल्स, तो फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाइल लूप वर्क करता है, ठीक है। तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि आपको एंट्री के समय, फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या है कि एंट्री के समय ही कंडीशन चेक होता है। अगर पहली बारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एक भी लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पर एक ऐसा लूप भी है जहां पर कंडीशन हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम लूप के अंदर घुसते हैं, जब निकलने के टाइम हम कंडीशन चेक करते हैं, तो उस लूप को बोला जाता है डू व्हाइल। तो डू व्हाइल को लिखने का क्या तरीका है, डू आप लिखेंगे करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज और कंडीशन आप लास्ट में देंगे, और यहां पर सेमी कोलन जरूर आपको देना है। ये ध्यान रखिएगा जब हम व्हाइल लिखते हैं तो यहां पर सेमी कोलन नहीं देते हैं, ठीक है, यहां पर सेमी कोलन नहीं देते हैं, पर जब डू व्हाइल लिखते हैं तो लास्ट में हम सेमी कोलन देते हैं क्योंकि यहां पर आपका लूप खत्म हो रहा है। तो डू व्हाइल को हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि यहां पर एग्जिट के समय आपका जो है कंडीशन चेक हो रहा है, एग्जिट के समय कंट्रोल किया जा रहा है। और व्हाइल लूप को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि यहां पर एंट्री के समय हम जो है कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डू व्हाइल काम करेगा। तो सेम एग्जांपल, 1 से 10 तक हम प्रिंट कर रहे हैं किससे, डू व्हाइल से। तो यहां पर इनिशियलाइज हमने किया, डू लिखा, तो कोई तो यहां पर एंट्री के समय तो कुछ चेक होना नहीं है, तो डायरेक्ट 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस होगा, तो यहां पर i का वैल्यू 2 हो गया। अब 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, ट्रू हो गया, तो ये फिर वापस चला जाएगा, मतलब ये जो है वापस जाएगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो आप बाहर आ जाओगे, तो ये ट्रू हो गया तो आप वापस चले गए। फिर से यहां पर 2 प्रिंट हो गया, फिर यहां पर i प्लस प्लस होके 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस, ट्रू है, फिर वापस चले गए। अब यहां पर 3 प्रिंट हो गया, और इस तरह से ये प्रिंट होता जाएगा, 10 प्रिंट करेगा, फिर ये i प्लस प्लस क्या कर देगा, 11, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स, तो फिर आप बाहर आ जाओगे, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से डू व्हाइल वर्क करता है। अब तीनों एग्जांपल को देख के अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को, है ना, किसी भी तरीके का प्रोग्राम को आप तीनों लूप के थ्रू बना सकते हैं, पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा लूप हमारे लिए, उस प्रोग्राम के लिए सुइटेबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो केवल फॉर लूप से ही बना सकते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप फॉर लूप से भी बना सकते हैं, डू व्हाइल से भी बना सकते हैं और व्हाइल से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम आप तीनों लूप से बना सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कौन सा लूप जो है ज्यादा उसमें सुटेबल है,
तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं और फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, और फैक्टोरियल का सेम प्रोग्राम हम लोग तीनों लूप के थ्रू बनाएंगे, तो ज्यादा हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से लूप को यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल का प्रोग्राम फॉर लूप के थ्रू बनाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, फैक्ट इक्वल टू 1 ले लेता हूं, एक n वेरिएबल लेता हूं जिसमें हम नंबर इनपुट करेंगे, फिर लेता हूं प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर द नंबर, ठीक है, उसके बाद सेमी कोलोन, स्कैन एफ, परसेंट डी और एम परसेंट एन। तो हमने नंबर इनपुट ले लिया। अब हमें लिखना है फोर आई इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n और I प्लस प्लस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर सपोज दैट कोई n इनपुट करता है तो फैक्टोरियल में क्या होता है, n से लेके 1 तक मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेके n तक कर रहे हैं। तो बात तो सेम है, आप चाहे n से 1 तक मल्टीप्लाई करो या 1 से n तक मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रिजल्ट वही आना है। तो यहां पर आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो int लिख देता हूं मैं यहां। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने int i इक्वल टू 1 इनिशलाइज किया है, और यहाँ पर हम लूप तब तक चला रहे हैं जब तक कि हमारा i का वैल्यू n ना हो जाए, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, और हर बार हम i को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू i। तो हर बार हम क्या करेंगे, i को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट लूप में आएगा तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड लूप में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, थर्ड लूप में आएगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से। सपोज दैट आपने n का वैल्यू 5 दिया है तो 5 तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फाइनली हम यहां पर आउटपुट दिखा देते हैं, प्रिंट एफ और फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। पहला परसेंट डी में हम n दिखाएंगे और दूसरे परसेंट डी में हम फैक्ट दिखाएंगे। तो बस ये हमारा प्रोग्राम बन गया फैक्टोरियल का। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट इक्वल टू 1 जिसमें हम फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करके रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसलिए हमने फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो यहां पर हमने नंबर इनपुट लिया n, और उसके बाद लूप को चला रहे हैं हम 1 से लेके n तक, मतलब सपोज दैट आप 5 इनपुट करेंगे तो लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक, और यहां पर हर बार i का वैल्यू क्या होता जाएगा, फैक्ट में मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम आएगा तो i का वैल्यू 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, फाइनली हम यहां पर डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है एंटर द नंबर, मैंने 5 दिया, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इसको हम फिर से रन करते हैं, ठीक है, और इस टाइम हम कुछ दूसरा नंबर देंगे, और इस टाइम हम नंबर दे रहे हैं 7। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे फॉर लूप का यूज करके हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे। अब सेम प्रोग्राम को हम व्हाइल लूप के थ्रू करेंगे। तो कुछ नहीं है, यहां पर ये जो int i इक्वल टू 1 है इसको आपको यहां से हटा के यहां ले आना है, क्योंकि while में क्या है, केवल आप कंडीशन दे सकते हैं, और यहां लिखेंगे while, और यहां पर कंडीशन को छोड़ के सब को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि while में कंडीशन के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो हटा दिया, ठीक है। और जो i प्लस प्लस आप जो है फॉर लूप में पैरेंथेसिस के अंदर कर रहे थे वो आप यहां पर कर देंगे, बस हो गया। तो यहां पर क्या है, सेम प्रोग्राम है, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 1 को हमने बाहर कर दिया क्योंकि वाइल लूप के अंदर आप इंट आई इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम केवल कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, हमने कंडीशन चेक किया और यहां पर हम इसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो लॉजिक वही है, केवल स्टेटमेंट्स को हमने इधर उधर प्लेस कर दिया। अब सपोज दैट यहां पर आपने इनपुट किया क्या 5, ठीक है, तो यहां पर क्या चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि i का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पर चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि फैक्ट का वैल्यू पहले से 1 है तो 1 आ गया। अगली बार i का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर अगली बार i का वैल्यू हो गया 2, तो यहां फिर से चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। तो यहां पर क्या होगा, पहले से 1 था, अब इसमें मल्टीप्लाई जाएगा 2, और क्या रिजल्ट आ जाएगा 2, और यहां पर फिर ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 3, फिर से चेक होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऑब्वियसली यस। तो यहां पर मल्टीप्लाई जाएगा 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा 6, और यहां पर ये 3 इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 4, अगली बार फिर आएगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस। तो यहां पर 6 इंटू 4 क्या आ गया 24, और यहां पर 4 जो है चेंज होकर क्या हो जाएगा 5,
यहां पर आ जाएगा 5 less than equal to 5, यस, तो 24 into 5 दैट इज 120। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, तो 6 is less than equal to 5, फॉल्स, तो आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ फैक्टोरियल जो है उसका सो हो जाएगा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 is 120। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर द नंबर आ रहा है, तो मैंने 5 दिया तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 is 120। तो इस तरीके से आप वाइल लूप के थ्रू क्या कर सकते हैं कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब इसे क्या करना है, डू वाइल से बनाना है। तो डू वाइल में क्या करना है, इस पूरे कंडीशन को नीचे आप ले आओ, सेमी कोलन दे दो और यहां पर लिख दो डू, यहां पर क्या लिख दो डू, तो बस हो गया। तो यहां पर हमने डू लिख दिया और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट था वो आपका लास्ट में आ गया। तो यहां पर अब क्या होगा, आपका कंडीशन बाद में चेक होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे आपने आई का वैल्यू 1 दे ही दिया है तो फर्स्ट टाइम तो चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, तो 1 into 1 यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 का वैल्यू चेंज होकर यहां पर 2 हो जाएगा, फिर यहां पर चेक होगा 2 is less than equal to 5, यस, तो फिर वापस ये डू में चला जाएगा और पहले जैसे मैंने बताया वाइल में उसी तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, डू वाइल में जो हमने प्रोग्राम बनाया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एंटर द नंबर बोल रहा है, तो मैं यहां पर 6 देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 6 is 720। तो इसको हम फिर से रन करते हैं, तो पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूं और फिर से हम चलते हैं और फिर से हम इसे रन करते हैं और अब मैं यहां पर वैल्यू देता हूं 7। तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 7 is 5040। तो इस तरह से आपने देखा कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कितने तरह के लूप होते हैं और हमने सारे लूप को प्रैक्टिकली भी करके दिखाया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।